हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज है फोर्थ डे और ये है उसका सेकंड पार्ट। तो हम आ चुके हैं नवरत्न रेस्टोरेंट अरम्बोल बीच घूमने के बाद। तो हम यहाँ कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर जाएंगे अब मोजिम बीच। अरम्बोल बीच घूमने के बाद हम लोग आ गए नवरत्न में कुछ खाने, और यहाँ पे ना प्योर वेज मिलते हैं, यहाँ पे नॉन वेज नहीं बनता है, इसलिए हम यहाँ पे खाने आए हैं। तो खाना खाऊंगी, रेस्टोरेंट की गर्मी हो रही है बाहर भी, ये 2 से 3 बजे के टाइम यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। मॉर्निंग में 12 बजे तो बड़ा सही था, उसके बाद गर्मी शुरू हो गई और अब मतलब आधे घंटे में सही हो जाएगा, फिर घूमेंगे, खा पी ले, पेट पूजा कर ले। अमर बड़ा आ चुका है हमारा, यार देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है, देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है ये, है ना। खाने में देखें, खाने में मैं टेस्ट करूँगी, रुको पहले पहले सांभर तो टेस्ट करने दो। बैठिए, दिखाओ मुझे, बैठिए सांभर मैडम। भैया यार एक और स्पून हिला दीजिए, यार सामने वाले मोरित नवरत्न रेस्टोरेंट है, और ये ना उस बीच के, कौन से बीच के पास में है? मोरजिन बीच के पास में नवरत्न। और कल हम रात आए थे तो लेकिन अंधेरा हो गया था, मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, लेकिन यहाँ पे आप आना सच में लाजवाब सांभर। और यहाँ पे सिर्फ वेज मिलेगा आपको, नॉन वेज नहीं मिलेगा, साउथ मिलेगा, इंडियन सारा फूड मिलेगा, है ना, प्रॉपर साउथ मिलेगा तो सारे मिलेगा, छोले भटूरे वगैरह सब मिलेगा, छोले भटूरे सुबह मिलते हैं, रात को पैसे बहुत कम है। और ये हमारा 70 रुपीज़ का है, 80 का, सॉरी 80 का ना, और इतना भर के सांभर भी आए, देखो भर के देखो सांभर भी, और देखना देखने में भी कितना टेम्पटिंग लग रहा है। फिल्टर कॉफ़ी, और अभी मैंने डोसा भी खाया, फिल्टर कॉफ़ी कितनी बढ़िया लग रही है, देखने में पीती कैसे लगती है। पी लो, मैंने पी ली, कड़वी है, कॉफ़ी अच्छी है बट मुझे अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि मैं कड़वा नहीं खा सकती, मैं शायद फिल्टर कॉफ़ी ऐसी ही लगी, फिल्टर कॉफ़ी तुम्हें अच्छी लगी। मोरजिम बीच पे, बीच सारे एक जैसे ही दिखते हैं आपको, बीच ना सब एक जैसे ही लगेंगे मोस्टली, बट हमें तो थोड़ा डिफरेंस लगेगा, नहीं अलग अलग है, जैसे वो अलग था, काली रेत थी तुम्हारी, हाँ तो रेत का फर्क, लेकिन ऐसा वीडियो में नहीं पता चलता ना, हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस चीज़ का। मोरजिम बीच, यहाँ की सॉफ्ट थी, यहाँ की हार्ड है, यहाँ की हार्ड है, ना मेरी पूरी काली मिट्टी है, यहाँ की काली है, सीप सीप देखी अंतर पीछे पीछे में, यहाँ की बिल्कुल काली मिट्टी है, यहाँ का समुंदर हरा है, यहाँ का नीला था, हाँ अंतर मोरजिम बीच पे, और मोरजिम बीच भी अंग्रेजों वाला बीच जैसे, यहाँ पे अंग्रेज लोग ज़्यादा रहते हैं, पड़े यहाँ पे समुद्र के किनारे, मेरे कैसे मर जाते होंगे, कैसे मर जाते होंगे, हैं हाँ यार ये भी लेके आए केक, अरे कितने बड़े बड़े हैं ये, अरे ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, जिंदा ही लावा वाली नहीं होंगी,
अजीब है। केकड़े ये दो साइड आपको रोड दिखाई दे रहा है कलमगुट बीच से, जब अरंबोर बीच से मोचन बीच की तरफ जाएंगे तो बीच में पड़ता है रोड, और हमें अगर हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो लेफ्ट साइड जाना और राइट साइड की तरफ से आ रहे हैं तो राइट साइड ही जाना है, रॉन्ग साइड हमें नहीं जाना, अदरवाइज आपका चालान कट सकता है। ठीक है, और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे गोवा में, इंजॉय किया मैंने आज बहुत, और क्योंकि आदमी हम लोग किसी के चक्कर में भी नहीं पड़े जैसे कल हम आ गए थे, हमारा 4 डेज भी निकल गया, कल 5 डेज होने वाला है यहाँ पे हमारा गोवा में, तो आज मैंने बहुत इन्जॉय करा, बीच में बहुत सुकून मिला वहाँ पे बैठ के और बहुत इधर उधर जाके बड़ा अच्छा लगा। तो आप ही कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर जो जो गोवा आए हैं उनको कैसा लगता है यहाँ के, और कौन कौन गोवा का प्लान बना रहा है ये भी मुझे बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, हम आज रामपुर बीच और मोर्चिंग बीच गए थे, अंग्रेजों वाले बीच थे, यहाँ पर अंग्रेज लोग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वहाँ शांति रहती है और इंडियन पीपल वहाँ कम जाते हैं, मतलब फॉरनर ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उनका घर वर भी उनके पास में ही है, फॉरनर लोगों ने बनाया हुआ है। अभी काफ़ी सारे ब्लॉग्स ऐसे गोवा के मैं लेके आऊँगी आपके लिए, मिस मत कीजिएगा एक भी वीडियो, बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस आने वाली है और ऐसे मैं वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। I begin to I